बैंक खाते में दस्तावेज अपडेट करने के नाम पर देश भर में लाखों रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। वहीं रायपुर पुलिस ने राजस्थान के 3 अंतर्राज्यीय ठग गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अलग अलग बैंकों के 3 ATM कार्ड जब्त किए हैं। साथ ही आरोपियों के खाते में जमा 3,99,000 रुपये को बैंक से होल्ड करवाया है। साइबर फ्रॉड के केस में पुलिस को अच्छी सफलता मिली है। इसमें मई महीने में एक प्रकरण दर्ज हुआ था जिसमें NTPC के रिटायर्ड जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ साइबर फ्रॉड हुआ था। उन्हें एक फ़ोन आया जिसमें उनके बैंक का जो खाता है उसमें पैन कार्ड अपडेट नहीं है, इस वजह से उसको अपडेट करने के प्रोसेस के लिए उनको लिंक भेजा गया, जिस लिंक पर क्लिक करने से उनको उनसे कुछ कुछ जानकारी जो फ्रॉड करने वाला है व्यक्ति वो लेता।